क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। मैं आपको ये गुड न्यूज़ है, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक छोटा सा कोशिश करी थी कि हमारा चैनल है 2 महीने पहले यानी जून में, ठीक है, सितंबर से पहले गया था, अगस्त अगस्त से पहले गया था, जुलाई, ठीक है, जून में वैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। जून में मैंने एक आरटीएल गाई थी, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से अपना साथ भी मांगा था। ये जुलाई 1 जुलाई को पब्लिश करा था और जून में ही मैंने आरटीएल लगाया था। वो ये था कि जून में मुझे जब पता लगा कि एचबीटीयू अपना लेटरल एंट्री नहीं ले रहा है और रीज़न दे रहा है कि भैया सेंट्रल वाले एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो मैंने आप सब लोगों से पूछा था कि कौन कौन से बच्चे मेरे साथ है। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा था, आई एम विद यू सर, नेशनल लेवल एग्ज़ाम होना चाहिए, नेशनल लेवल एग्ज़ाम होना चाहिए। तो मैंने वो तो जब होगा सो होगा, तो मैंने AICT को और UGC में और जो वहाँ पे RTI मैंने लगाई थी भाई, उस RTI का जो रिप्लाई आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 17 तारीख को एक नोटिस है, डिप्लोमा स्टूडेंट बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए। कुछ लोगों ने मनमानी कर ली कि भैया यहाँ पे लीड है ही नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की नहीं है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की नहीं है। तो क्लियर कट AICT ने यहाँ पे ट्वीट भी किया था, 17 तारीख का ट्वीट है ये, और लेकिन जो ऑर्डर है ये कल अपडेट हुआ इस साइट पे, AICT इंडिया वाली साइट पे। इसके लिए यार हम लोगों की ना, मतलब मैं हूँ, मेरे साथ दो तीन और टीचर हैं, उन लोगों की बहुत सारी मेहनत है और आप सब लोगों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं AICT के द्वारा, कि AICT ने बोला कि भैया तीन जो जो भी सीट्स आपकी खाली रहेंगी, और दूसरा टोटल सीट की 10% सीट वो डिप्लोमा वालों को मिलनी चाहिए। इट हैज़ टू कम टू नॉलेज ऑफ AICT दैट सम ऑफ द AICT इंस्टीट्यूट आर रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग डिप्लोमा क्वालिफाइड स्टूडेंट फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन अंडर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज विद रिस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन ओनली, ठीक है। इसके अंदर HBTU मैंने तो भैया खास तौर पे लिया था, जो यूपी के मेरे प्यारे बच्चे हैं भाई, तुम लोग कुछ भी एक बच्चा नीचे कमेंट कर रहा था जब मैंने यूपीडीयू लीड की तैयारी के लिए करा कि सर यहाँ पे तो सारी चीजें जिस, अरे नहीं यार, ये किन के लिए हो रहा है, ये आप सबके लिए हो रहा है। ये कोशिश जो है हमारी छोटी सी कोशिश, ये देखो सबके लिए हो रही है, और वो देखो रिजल्ट देखो उसका, ठीक है 1 महीना बाद आया, लेकिन मैं हम इसके व्याप पे HBTU एडमिशन को लिख सकते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो अभी, यार देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी लिखा पढ़ी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, तो अगर आप बच्चे, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है और बच्चे इस काम को हमारे साथ करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बना दूंगा जिसमें हम ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि अगर कोई AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है और वो लेटरल एंट्री के लिए रिफ्यूज कर रहा है, तो आप इस लेटर के जरिए से उनको बता सकते हो कि भैया लेटरल एंट्री AICT अप्रूव्ड जो प्रोसेस हैंडबुक है उसके अंदर क्लाउज नंबर 1.3 को पढ़ लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको, अगर उनके फर्स्ट ईयर में कोई भी सीटें खाली रही हैं तो वो डिप्लोमा वालों को देनी पड़ेंगी, और डिप्लोमा वालों के लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ क्लियर कट मेंशन कर दिया। अलग अलग लीड का अलग अलग क्राइटेरिया ले लेते हैं ये लोग, कोई कहते हैं हमें 60% चाहिए, जैसे IP में ब्राउचर में लिखा हो 60%, यार यहाँ पे साफ साफ तो लिखा हुआ है पास डिप्लोमा एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 45% एंड 40% इन केस ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग इन द रिजर्व कैटेगरी इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेकेंड पॉइंट ये BSc वालों के लिए, थर्ड पॉइंट BSc स्ट्रीम में बस उसके पास क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स मैकेनिक्स है ना, फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, सेकंड ईयर के में, प्रोवाइडेड दैट स्टूडेंट, ये BSc वालों के लिए, DVOC वाले बच्चे जो डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडी या बैचलर इन वोकेशनल स्टडी, वो सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। भाई मेरी इस वीडियो को मैं आप लोगों का साथ मानता हूं, आप लोगों ने परिवार को इतना बड़ा बनाया, आप लोगों के कमेंट से कि आई एम विद यू सर, आई एम विद यू सर, इतनी स्ट्रेंथ मिलती है। मैंने एक नहीं, मैंने तीन तीन आरटीए लगाए थे, मैंने एक नहीं, मैंने तीन तीन आरटीए लगाए थे। यहाँ पे शशि लिख रहा है सर नेशनल एग्जाम होना चाहिए, सर नेशनल एग्जाम होना चाहिए, देखो सर मुझे सर HBTU, भाई शशि भाई आप सब बच्चों को कह रहा हूँ कि आप लोगों की ये इन ये जो कमेंट आप लोग लिखते हैं, आई एम विद यू सर, नेशनल लेवल एग्जाम होना चाहिए, जय माता दी सर, आई एम विद यू, अरे आप ये टाइम आ गया है रिप्लाई करने का,
ठीक है, भूमिका वर्मा लिख रही है, जय माता दी सर, यस सर, देयर शुड बी नेशनल एग्जाम फॉर द बीटेक। दिल टूट गया सर सुन के एचबीटी। अरे नहीं शिवम जोशी, टेंशन ना ले, दिल को मत तोड़ अपने, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट यार, थैंक यू सो मच बड़ी यार, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, तुम्हारी वजह से मेरे को स्ट्रेंथ मिलती है यार। मैं एक दिन यूट्यूब पे लाइव भी आया था, पर मेरे को वो लाइव ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बंद करना पड़ा। एक बच्चा लिख रहा है सर आप लाइव आइए, मैं आया था बेटे, अगर रही बात जय माता दी, मैं जरूर आया था, और आप लोगों ने पता नहीं उसको देखा था या नहीं देखा था। ठीक है, नेशनल लेवल एग्जाम होना चाहिए, एग्री विद नेशनल लेवल एग्जाम, जय माता दी सर। नैन देखो कितने बच्चे लिख रहे हैं यार, लिखते जा रहे हैं, मैं अभी नीचे पढ़ता जाऊंगा तो लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी अप्रूव्ड बुक है, इसके अंदर हम क्लाउज नंबर देख सकते हैं, ये आपको AICT की साइट पे मिल जाएगी। ये ऑर्डर है जो 17 तारीख को आया था, पहले मैं सोच रहा था कि मैं 18 तारीख को ही बना दूं, पर 18 तारीख कल यानी मैं पूरा बिजी था जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया। उसके बाद आज न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखा देता हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा देता हूँ, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। डिप्लोमा वाले छात्रों को BE और BTECH में प्रवेश से मना नहीं कर सकते कोई भी इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा वाले छात्रों को BE और BTECH से प्रवेश से मना नहीं कर सकते संस्थान। ठीक है, AICT ने लेटरल एंट्री के लिए प्रवेश के नियमों को सख्त और सभी राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को अमल के निर्देश दिए हैं। इंजीनियरिंग और इसके लेटरल एंट्री में बैचलर इंजीनियरिंग के लिए या BE के लिए अंडर ग्रेजुएट जो BTECH कोर्स में प्रवेश मिल सकेगा, कोई भी तकनीकी संस्थान इन छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से इसे लेकर पहले से प्रचलित नियमों को और सख्त कर दिया गया है, साथ ही सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को इसको सख्ती से अमल कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ ये उसी ऑर्डर के व्याप पे खबर है भाई, ये इसी ऑर्डर के व्याप पे खबर है, और ये हर इंस्टीट्यूट में हर कॉलेज की वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल को, AICT द्वारा जो हमारी टेक्निकल बॉडी है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले टाइम में अगर और भी इंस्टीट्यूट इस चीज को नहीं मानेंगे तो तुम्हारा भाई, यानी मैं एक टीचर हूं, वैसे मैं जो प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूं भाई, मैं आपको बता, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन ये डिप्लोमा के बच्चे इधर उधर जाके भटकते हैं, मिसगाइड होते हैं, उनके लिए मैंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और मैं अभी और भी 2-3 RTI अलग अलग कॉलेज के लिए लगाना चाहता हूँ जिन्होंने अभी भी लेटरल एंट्री के लिए कुछ भी प्रदान नहीं लिया, जैसे NSIT है दिल्ली में, उनकी फर्स्ट ईयर में सीट्स खाली रहती हैं, AICT अप्रूव्ड है, क्यों नहीं ले रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो भी। इसके तहत इन छात्रों को सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर तकनीकी संस्थान इन छात्रों को प्रवेश देने से इनकार कर देते हैं हाल ही में। ठीक है, इन समस्याओं को समझा और इसके उचित निराकरण किया है, इसके तहत लेटरल एंट्री में प्रवेश के नियमों को सब प्रत्येक तकनीकी संस्थान को मानना अनिवार्य होगा, खाली पड़ी सीटों पर इन छात्रों को प्रवेश देना ही होगा। अगर आप AICT का बोल रहे हैं कि भैया डिप्लोमा वाले बच्चे आ जाएंगे, उससे जो वो है, मैं ये स्पेशली यूपी में HBTU के लिए, हरियाणा में तो सारे इंस्टीट्यूट लेटरल एंट्री लेते हैं, बिहार में भी सारे इंस्टीट्यूट लेटरल एंट्री लेते हैं, पंजाब में भी ले रहे हैं, दिल्ली में एक दो इंस्टीट्यूट है जो नहीं ले रहे हैं, जैसे IPU का जो मेन कैंपस है उसमें, जो यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वहां लेटरल एंट्री नहीं हो रही, आपका भाई लिखेगा उसके लिए, लेकिन बस आपके जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक है ना, मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से मैं उन बच्चों का साथ चाहता हूँ, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। जो बच्चे अभी तक GCC परिवार से, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनसे जुड़ जाओ। ठीक है, मैं इसमें कोई अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को ये बोलने आया कि नहीं दोस्तों, ये देखो आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है, जो हमारी मेहनत थी, जो हमने RTI लगाई है ना, जून की RTI है ये, हमने जून में लगाई थी, जून के लास्ट वीक में, जुलाई में मैंने ये आपके लिए सच कहूं वाली एक वीडियो बनाई थी कि ये बच्चों के साथ क्यों गलत हो रहा है, HBTU ने क्यों मना कर दिया। ये ऑर्डर है, ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इवन मैं इसको टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं अगर वो हमारा साथ थोड़ा सा लिखा पढ़ी में थोड़ा साथ देना चाहते हैं कि और ज्यादा चीजें स्मूथ हों, और ज्यादा चीजें आपके पक्ष में आए, अगर ये हो सकता है तो भैया सब हो सकता है। ये ट्वीट कर दिया था AICT ने, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द लेटरल एंट्री टू BTECH, ऑल इंस्टीट्यूट टू फ्लो क्लाउज नंबर 1.32 अप्रूवल। और ये अगर आप इसको, आप जो अप्रूवल है इनकी प्रोसेस हैंडबुक है 2020-21 में, ये